ओम शांति। आपको 30 अक्टूबर की श्रोतान में स्वागत है आपका। खुद की दवाई खुद ही करना, ये दवाई की बात हो रही है, शरीर की नहीं, ये बात हो रही है मानसिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स या वीकनेसेस की, कमजोरियों की। तो परमात्मा कहते हैं आज कि खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भवा। लेकिन उसकी कौन सी चाहिए, कौन सी गोली, कौन सा इंजेक्शन? खुशी। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। बीमारियां क्या हो गई हैं? काम करो, लोम अहंकार तो मोटे तरीके पे हो गया, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस, अलबेलापन, रोब, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, छोटे छोटे बच्चे हो गए इसके। तो खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। अगर खुशी है हमारे जीवन में, अगर हम दुनियावी चीज़ों से हम खुशी ढूंढ रहे हैं तो हम खुश नहीं हैं, वो तो 100% श्योर है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है। हम दुनियावी चीज़ों में जब बहुत घुस जाते हैं तो हमें परमात्मा की जो मूल्य में दी हुई हमें सत्युग या भविष्य की बातें भूल जाती हैं, तो खुशी गुम जाती है। हम छोटी छोटी प्रॉफिट लॉस में ही फंस जाते हैं, नुकसान, दुनिया के नुकसान में फंस जाते हैं, चाहे संबंध का नुकसान हो रहा हो, चाहे रिलेशन, चाहे धन का नुकसान हो रहा है। अगर हम उन चीज़ों में बह जाते हैं तो हमें परमात्मा के दिए हुए एहसास जो है कि भविष्य कितना सुनहरा है, कलयुग गया कि गया, सत्युग आया कि आया, अपने खुशी के दिनों को याद करो, मेरे साथ जुड़े रहो, हम चीज़ों को भूलते हैं तो हम खुशी को क्या कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं खुशी को कैसे लाना है, इन चीज़ों को याद करो कि बाबा ने कहा क्या, परमात्मा ने कहा क्या है, तो उससे क्या होगा, आपकी नाराजगी, आपका दुख खत्म होना शुरू होगा। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। अगर नॉलेज है, अगर डिटैचमेंट की नॉलेज है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अलग है, ये डिटैचमेंट की नॉलेज है, तो भी हमें वो खुशी जो मिलती है इसको प्रैक्टिस कर करके, वो भावना में आने से, फीलिंग में आने से, सिर्फ उसको रटने से नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। बुद्धि जीवन भर हमारे कमाने में, खाने में, पीने में, सजने में, धजने में, मिलने में, रिश्ते निभाने में चलेगी, लेकिन जैसे कोई बीमारी आती है, परमात्मा कहते हैं इसको भी आप क्या समझो, आपको रेस्ट का टाइम मिला है, आपको अपने आप को पहचानने का टाइम मिला है, आपको फिजिकल दुनिया जो कि देह अभिमान की दुनिया में फंसने का टाइम नहीं, लेकिन आत्मा के अभिमान में, आत्मा की दुनिया में जाने का टाइम मिला है। तो इसको भी एक क्या समझो, बीमारी बीमारी नहीं है, ये मुझे रेस्ट का टाइम मिला है, सेल्फ जर्नी, इनर जर्नी का टाइम मिला है। तो ये अगर समझें तो बीमारी बीमारी नहीं लगी, बीमारी भी तोहफा समझें जाएगा। ओम शांति इसके साथ।